एंड कंसेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं राजेश कुमार, आज हमेशा की तरह फिर एक वही सोशल जीके जो कि जीविका परीक्षा के मुख्य जड़ है, जिसमें अच्छा से अच्छा मार्किंग किया जा सकता है, उसका एक तीसरा पार्ट का वीडियो है। इसे देख के आप बहुत लाभान्वित होइएगा। तो दोस्तों, मेरा बिहार करंट अफेयर का वीडियो, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, मेरा बिहार करंट अफेयर का वीडियो आप देखना ना भूलें, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एराइज होने की संभावना है। और ये जो पढ़ा रहा हूँ, ये तो आपका जड़ है, रामबाण है। अगर इसको बिना जाने हुए जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, इसको आप एनी टाइम कभी आप 24 घंटे में 10 या 15 मिनट समय निकाल के देख सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये बहुत ही आपके कारगर सिद्ध होने वाली वीडियो है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें वैसे इसमें ऐसे योजना सरकार की बहुत सारी है, लेकिन मैंने उस योजना को चुनकर यहाँ पे केंद्रित किया हूँ, जिससे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, और जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछी गई है जीविका परीक्षा में, या बहुत सारे प्रोजेक्ट के परीक्षा में, या बहुत सारे बिहार गवर्नमेंट की परीक्षा में पूछे गए हैं। वैसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे उठा कर रखा। तो दोस्तों, सेम उसी पिछले वीडियो की तरफ मैं यहाँ पे योजना का कार्यक्रम दिया हूँ, और उसके परिणाम की तिथि है, कार्यान्वयन की अवधि है, मंत्रालय से किस मंत्रालय से जारी हुआ है, उसका फोकस या उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इसमें पढ़ना आते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिससे आप रूबरू हैं, काफी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो 2015 में शुरुआत हुआ था वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे सीधा मैंने लिख दिया हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं, और इसको मैंने बोल के समझा, जितना भी चीजें यहाँ पे लिख दिया हूँ आप इसे खुद नोट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करें, आप अपने नोटबुक में नोट करें, क्योंकि नोट कर लीजिएगा तो हमेशा रहेगा, या 2 से 3 बार देख लें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होता क्या है, यह मुद्रा स्कीम एक ऐसी योजना है जिसमें यदि कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय खोलना चाहता है या व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसको सरकार मुद्रा लोन से लोन देगी। इस योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इसको समझ रहे, यानी यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना दुकान किया है, रोजगार किया है, उस दुकान को नया दुकान खोलना चाहता है, या दुकान को छोटा मोटा दुकान उसको और बढ़ाना चाहता है, तो वह व्यक्ति इस योजना का लाभान्वित लाभ ले सकता है। उसके लिए उसको आवेदन करना पड़ेगा अपने निजी बैंक में, और उसको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का भरपूर सहायता मिलेगी, और इसमें लिमिटेशन है कि अधिक से अधिक 10 लाख तक दिया जा सकता है मुद्रा योजना के से लाभ। ये जीविका के लोग मतलब काफी से जानकारी फुल होंगे, और काफी लोग करवाए भी होंगे, मैंने भी कुछ लोगों को बोला हुआ था, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो दोस्तों, उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको PMJJBY बोलते हैं, जो कि जीविका में अभी कार्यरत है, आम आदमी भी करा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कराया है, मेरे बहुत दोस्तों ने कराया है, बहुत सारे जीविका दीदियों ने कराई है। तो इसका शुरुआत 2015 में हुई थी, 9 मई 2015 में हुई थी, और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, और इसका मुख्य फोकस है, यानी किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है, तो बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। तो इसका मुख्य फंडा मैं बता दूं, PMJJBY, इसका मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें जो होता है कि आपको जैसे इसमें 300 कुछ रुपया लगते हैं आम आदमी के लिए, लेकिन जीविका की अगर महिला अगर कराती है तो उसे 180 रुपया देना पड़ता है, जो कि ग्राम संगठन में जाता है, और उसमें से 171 रुपया के हिसाब से पर मेंबर के हिसाब से LIC को नियुक्त किया जाता है, तो वो 180 रुपया मात्र उसको देना रहता है। और इसमें क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ होता है उसका, तो 4 लाख का बीमा कवरेज करता है, 4 लाख का, और किसी कारण से अगर उसका नेचुरल डेथ होता है, यानी सिंपल मृत्यु होता है, तो उसको 2 लाख का कवरेज मिलता है, 2 लाख का मिलता है। और उसके बाद में आपको अगर इसमें ये भी प्रावधान है, अगर आप विकलांग हो जाते हैं, कोई अंग भंग हो जाते हैं, तो भी आपको सरकार बीमा कवरेज देगी, और ये बहुत ही अच्छा बीमा है। मेरे नजर में 2-3 लोगों को मिला है, जिन्होंने 180 रुपया दिया, और अपने नॉमिनी के द्वारा, उनके नॉमिनी के द्वारा 2 लाख का बहुत बड़ी अमाउंट उठाया गया। इसलिए ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग नहीं कराए हैं तो इसको करा ही, हाँ, इस सबके लिए। तो दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, अटल पेंशन योजना, और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे मतलब स्वीकृति मिली थी, दिया गया था, और इसका मुख्य फोकस है असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के उपरांत उनके अंशदान के आधार पर न्यूनतम निर्धारित पेंशन प्रदान करना। यानी इसका मतलब होता है असंगठित क्षेत्र, यानी वो ऐसा जगह जहाँ पे मतलब असंगठित हो, तो बहुत दूर दराज का इलाका है जहाँ पे 60 साल से अधिक के लोग जो रह रहे हैं,
तो उनके लिए पेंशन की स्कीम है, उसके लिए आप उसके लिए इसमें ये भी कह रहा अंशदान। अंशदान क्या होता है, अपने तरफ से जो कुछ राशि अगर दी जाती है, जमा की जाती है, उसी को अंशदान बोलते हैं। यानी वे अपने तरफ से जितना कम से कम राशि जमा करते हैं, उस राशि के आधार पर उसे न्यूनतम पेंशन निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए कोई 10,000 की राशि जमा करता है, तो उसके आधार पर न्यूनतम पेंशन निर्धारित किया जाएगा और जितना होगा उसे 60 साल के बाद उसका मतलब पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए अटल पेंशन योजना को याद रखें, असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के उपरांत उनके अंशदान के आधार पर न्यूनतम निर्धारित पेंशन प्रदान करना अटल पेंशन योजना का लक्ष्य है। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको जानकारी रखना मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो करना ही है, लेकिन ऐसे भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आते हैं पढ़े भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसे दिया गया था। पढ़े भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसे दिया गया था और इस योजना का शुभारंभ है तो दोस्तों इसका शुभारंभ अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं मिल पा रहा है तो मुझे याद नहीं है अभी पढ़े भारत। लेकिन इतना जानकारी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा मतलब दिया गया है इसको। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को बुद्धिमान आत्मनिर्भर बनाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों को बुद्धिमान आत्मनिर्भर बनाना, बच्चों को दिमाग विकसित करना, उसे आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य कारण। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी शुरुआत 15 सितंबर 2017 को की गई थी, 2017 में की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या है, इसका मुख्य फोकस है बेघर और कच्चे मकान में रह रहे ग्रामीण लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी वे लोग जिनके पास कच्चा मकान है, ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं, उनको पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी पैसा मुहैया कराना प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब है। यह इसको नाम दिया गया सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना इसे आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। 11 अक्टूबर 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था और वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। और इसमें इसका मुख्य फोकस है गांव के विकास और निर्माण हेतु, या किसी भी गांव के विकास और निर्माण हेतु एक कार्यक्रम है जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है ना कि ग्रामीण क्षेत्र दूर दराज के क्षेत्र उसको विकास करना, इसका मुख्य लक्ष्य है। तो दोस्तों इस तरह से 4-5 योजना है जिसको आप चलते फिरते किसी तरह से नोट कर लें, याद रखें, दिमाग में सेट कर लें। इससे क्वेश्चन निश्चित आना है, अब किस मंत्रालय से पूछे जाएंगे, इस मंत्रालय से क्वेश्चन आएगा, मंत्रालय में भी सॉरी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, कब इसका शुरुआत किया गया, इस योजना का मुख्य फोकस क्या है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। इसलिए आप क्लियर रखें और मेरे पिछले वीडियो को देखते रहें निरंतर, बिहार से रिलेटेड जितने वीडियो है, ये वीडियो तो चल ही रहा, पिछले वीडियो को देखें, क्योंकि मैं 7-8 दिन से बहुत बिजी था जिसकी वजह से नहीं बना रहा था, और निरंतर मैं आपको सेवा करूंगा। तो दोस्तों इसके लिए मेरे चैनल को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और उसको ट्रांसफर करें 1 से 2, 3 से 4, 10 से 12, 20, 25 दोस्तों में फैलाएं ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।